अभी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. अब आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे बस मौका मिला इस फिल्म में, फिल्म का हिस्सा बनने का, तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. बहुत ही खुश हूँ दैट विशाल सर हैज़ टेकन मी इन दिस फिल्म. तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. कल काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने हमारी फिल्म देखी और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कही एंड दे वर रियली रियली इनकरेजिंग और बहुत ही स्वीट थे. बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कही, सो इट ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप दैट ऑब्वियसली द ऑडियंस ऑल्सो लव्स द फिल्म. फिल्म की तो बहुत ही तारीफ हो रही है एंड मैंने एक्चुअली फिल्म देखी नहीं है अब तक, तो मैं थोड़ा मतलब मैं मिस्ट्री में हूँ, मैं देख नहीं पाई. तो आई डोंट नो कि फिल्म कैसी है, क्या हो रहा है उसमें, तो मैं फुल मिस्ट्री में हूँ. तो आज मैं देखने वाली हूँ, आज हमारी स्क्रीनिंग है तो वहाँ पे देखने वाली हूँ. तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए. बहुत ही टफ डिसीजन है, टफ चॉइस बिटवीन मकबूल एंड ओमकारा. बहुत ही हार्ड है, बट आई वुड से कि बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट्स, बट ओमकारा मुझे इतनी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज रियली वांटिंग टू एक्ट एंड गेटिंग वेरी इंस्पायर्ड बाय द मूवी आल्सो. और उस फिल्म की वजह से मुझे लगा कि definitely try to be a part of different kinds of films and different kinds of roles. Shraddha, is film ke baad kya 100 crore ki hat-trick maarengi ya? 100? Main 100 crore ki hat-trick maarungi ya nahi? Ye to I have no idea. Par mere liye to maine hat-trick already maari di hai. In the sense ki main Haider ka hissa hu, to mere liye to hat-trick hai hi. विशाल सर ने फेथ रखा मुझ में और उन्होंने फिल्म में मुझे लिया, तो फॉर दैट्स अ हैट्रिक इन इटसेल्फ फॉर मी. शक्ति जी ने फिल्म देखी है? नहीं, शक्ति जी ने फिल्म नहीं देखी है. वो देखने वाले हैं दिल्ली में. उन्हें लगता है कि कोई भी फिल्म वो दिल्ली में देखते तो वो हिट हो जाती है, तो वो दिल्ली में देखने वाले हैं. हो रहा है रियली? रियली आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्ट्रेसेस एंड इफ आई एम बीइंग कंपेयर्ड टू हर देन आई टेक दैट एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड ऑल्सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बैंग बैंग, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी ऋतिक रोशन फैन रही हूँ. And I hope that he will also go and watch Haider first day first show. अगर वो भी देख पाए तो अच्छा होगा. It'll be nice. श्रद्धा, आपके friend circles में से ऐसा कोई special actor friend है जिसको आप Haider दिखाना चाहते हैं? मसाले की खोज में, full मसाला. ऐसे पूछ रहे हो. तो आज हमारी screening है, तो बहुत मतलब हमारे जो co-stars है वो आने वाले हैं. जो भी आ सकते हैं, जो भी शूट नहीं कर रहे हो, जो भी बिजी नहीं होंगे, तो वो आ जाएंगे. एंड आई होप दैट दे लाइक द फिल्म. या दैट्स द इंटेंशन टू शो देम द फिल्म. आपको कोई मसाला नहीं मिलने वाला मेरी तरफ से. थैंक यू गाइज. वॉच Haider 2nd of October, थर्सडे को जाके देखना. डू नॉट फॉरगेट. थैंक यू. I'm very proud of his performance and I think it's an explosive film, one of Vishal's best. Yeah, hamara kaam hota hai kaam karna, response dena to audience ko aur aap logon ka kaam hai, so acha response milta hai to zahir hai acha lagta hai. मेरे ख्याल में तीनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो मौजूदा फिल्म जो अभी रिलीज़ हो रही है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा. जिन हालात में वो हिंदुस्तान के जिस हालात को इस वक्त रिप्रेजेंट किया गया है फिल्म के अंदर, हेमलेट की कहानी के अलावा
मेरा ख्याल है वो बहुत अहम है और हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और इसकी तरफ रिएक्शन भी होना चाहिए। और अच्छी बात है कि किसी ने इस बारे में सोचा और इसको शेक्सपियर के क्लासिक प्ले के अंदर अडेप्ट करने की जरूरत भी की, हिम्मत भी की और ऐसी सलाहियत भी रखी कि उसको बराबर कर पाऊँ। I don't think anything can surprise me about my son because I've always known that he has amazing potential as an actor. It was just a matter of time, and I mean this is one big step in his life where you will see him in full form as an actor. I have never had any doubt about the fact that he doesn't have this ability. He has abilities much beyond what you will see in this film, but a large part of his ability has been captured by Vishal in this given film, and which will be seen by the audiences in days to come. Sorry? Hello? Well, if he has made waves, sure he has made India proud. But I thought we are here to talk about the release of these three books, which are based on Shakespeare's plays. So I would rather stick to my comments and talk about the release of these films or any of these films that you guys might have seen or you would want to see Heather after Day After's release, right? I just said something that... मेरा ख्याल है हर एक अभिनेता के लिए ना हर एक फिल्म जो होती है वो बड़ी अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है, तो कोई भी पर्टिकुलर फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित होगी कहना मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली उसकी ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को वर्ल्ड ओवर ये खबर ज़रूर मिलेगी कि देयर इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर इन हिज एज ग्रुप हु हैज़ डन अ फैबुलस जॉब इन दिस गिवन फिल्म, सो अ लॉट ऑफ पीपल विल वेक अप टू हिज एबिलिटीज एज एन एक्टर। थैंक यू। भाई झाड़ू पकड़ के उतर जाओ सारे के सारे, सफाई करनी है, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या? क्या लगता है सफलता मिलेगी इस बार भी? क्या क्या मिलेगी सफलता? हर पिछले आप सब हम सब लोग मिल जाएं तो सफलता ही सफलता है, है ना? Actually, for a film like Heather, we believe this is a perfect release plan because हमने बहुत ही plan करके चुन चुन के we've picked the screens. We've picked it based on where the audiences for a film like this are, and we're very confident that this is a correct release strategy for the film. So, but couldn't this clash have been averted by releasing it at some other date? You know, I think a lot is being made of so-called clash. See, it's a five-day holiday period. Very rarely in the history of cinema do you have a point of time of that nature which comes where you've got five holidays in a row and there's enough space for two movies. They're very, very different films. The scales of each film are different. The genre of each film is different. I think within 5 days, someone who watches one film on day one and has a holiday period for 5 days will definitely want to watch another one a couple of days later. So I think there's more than enough room for both movies to breathe. But there are also reports that single screens are more inclined towards screening Bang Bang as compared to Heather. What do you have to say about that? You know, cinemas have a preference for one film over another at times. But I think in this case, because of the five-day holiday period, we've noticed that cinemas want to screen both movies. So whether they're multiplexes or they're single screens, I think they want the opportunity to be able to screen both films. And that's great because that'll give viewers who want to visit that cinema more of a choice. And what is the estimated box office revenue that would come as profit? Well, you know, for a film like Heather, what I have to say is that it's a very, very well-budgeted movie. You know, as you know, Shahid's chosen not to take a fee for the film. We've made the film very, very efficiently within a tight budget. We've shot in only 54 days in Kashmir. So for us to be able to recover our investment will not take very long, and which is why a great 5-day release period is a perfect strategy for this movie. No. Thank you. Thank you. हाँ, मुझे बहुत ही इस किस्म का रिस्पॉन्स मुझे कभी भी नहीं मिला है, और स्पेशली जो मेरे दोस्त डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं, उनसे इस तरह के रिस्पॉन्स आना, ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्स आना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अनुराग बासु, अनुराग कश्यप, इन लोगों से मुझे कभी भी, मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, इस तरह का इमोशनल सपोर्ट एंड इमोशनल रिस्पॉन्स मैंने आज तक कभी नहीं देखा, तो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद दैट।
ऑब्वियसली क्योंकि जो आपकी करंट फिल्म होती है, जो आपका सबसे छोटा बच्चा होता है, आपको सबसे ज्यादा प्यारा वो होता है, तो हैदर मेरा सबसे छोटा बच्चा है तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है अभी। अभी तो आई थिंक उनका तो कोई सा भी प्ले अडेप्ट होकर फिल्म बन सकती है। किंग लियर भी मुझे करने का मन है, मुझे एज यू एक मुझे उनकी तीन कॉमेडीज करने का मन है, तो मे बी मैं शायद उनकी तीन कॉमेडीज ट्रिलॉजी करूँगा इसके बाद। सर, हैदर नाम कैसे आपको समझ में आया फिल्म के? क्योंकि हेमलेट की जैसे मकबूल और मैकबेथ, ओमकारा, ओथेलो, ऐसे ही मुझे थोड़ा सा उससे सिमिलर साउंड करता हुआ नाम चाहिए था, तो मुझे हैदर इसलिए वो नाम रखा। नहीं, हमें पहले भी 1100 स्क्रीन में ही करना था, ऐसा नहीं था कि हमें 2100 स्क्रीन में करना था और हमें 1100 में करना पड़ रहा है, हमें 1100 स्क्रीन में ही करना था। हमने ये फिल्म एक बजट में बनाई है जिसमें शाहिद ने फीस नहीं ली है, मैंने फीस नहीं ली है, क्योंकि हम चाहते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो इसके रिलीज़ वीकेंड पे सिद्धार्थ हमें बहुत अच्छी पार्टी करे, हमें खूब सारी शराब पिलाए और बहुत जम के खाना खिलाए, तो कैसा भी उसका रिस्पॉन्स हो, तो हमने जिस बजट में फिल्म बनाई है उस वजह से मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे क्या होने वाला है। इसका मेरे लिए मेन कंसर्न था, क्योंकि मेरे लिए पीछे इसमें मकबूल और ओमकारा जैसी फिल्मों की जो छायाएं थी, जो शेडोज थी, उनके बराबर आना मेरा कद इस तीसरी फिल्म में मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस फिल्म के ऊपर बिल्कुल भी इकोनॉमिक प्रेशर नहीं रखा गया। मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत ही ह्यूमन फिल्म है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंट्रोवर्सी में आनी चाहिए, मुझे लगता है। जी, उन्हें बुलाया था पर आई थिंक वो दोनों मसरूफ़ हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि सैफ और करीना दोनों बहुत ही बड़ा हिस्सा थे ओमकारा का, तो उनके बिना थोड़ा अधूरा लग रहा है कि ओमकारा का काम, आते तो वो दोनों बहुत अच्छा लगता। Thank you.